रेलवे स्टेशन पर यात्रा करने वालों की पहली स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके बाद ट्रेन में सवार हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी तरह की जांच नहीं हो रही। कल संडे को होगी, देखना पड़ेगा। टेंट हाउस एवं बैंड बाजी संचालकों ने अपनी अपनी दुकानों और जगह जगह बैनर बांधकर विरोध जताया है, जिसमें काम धंधे बंद होने पर समस्या बताई गई है। क्या नाम है आपका? सुनील बंदरेली जी। आप क्या व्यापार करते हैं? मेरा ब्रांड का कार्य है, ब्रांड का काम करता हूँ। 22 मार्च तक जो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो सरकार हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही था। किसान की तरफ ध्यान दे रही, हिंदुस्तान के गरीब की तरफ ध्यान दे रही है। और शिवराज सिंह चौहान से नहीं बता कि हम बैंड बाजो वालों को भी तरफ बहुत ध्यान दे रहा। हमारी कंडीशन बहुत ख़राब है, ना तो उनको बैंड बजाने की अनुमति दे रहा है, ना कोई हमको सहायता रात राशि दे रहा है कि जिससे हमारा परिवार का भरण पोषण कर सके। और हम लोगों की कंडीशन इतनी ख़राब चल रही है, कोई सरकार कोई अधिकारी हमको ध्यान नहीं दे रहा, कोई भी अधिकारी। और हमारा सरकार से हाथ जोड़ कर नहीं बता कि हम हमारे बैंड बाजे बजाने की अनुमति दी जाए। भारतीय जनता आप लोग ने जी जो होर्डिंग लगाए, ये किस लिए लगाए? हमारे आंदोलन के लगाए। क्या लिखा है इसमें आपने? सरकार तक हमारी मुहिम पहुँचाना कि सरकार हमारे बारे में सोचे और हमारे धंधे को खुलवा, पूरा व्यापार खुल गया, पूरी संस्थान खुल गई। हमारे पर ऐसा क्या कारण सरकार जो हमारे बैंड बाजों को बजाने के लिए अनुमति नहीं दे रही है? हमारा परिवार का भरण पोषण हम कहाँ से करें? यहाँ 6-6 महीने की हमारी दुकान। आप क्या मानते हो, आप लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है? हो रहा है भेदभाव, इतना भेदभाव हो रहा है हम क्या बोलें? सरकार सबको ध्यान दे रही, हमारी तरफ क्यों ध्यान दे? हमारी दुकान का किराया देना, सेठ साहूकारों से हमने पैसे लेकर रखे हैं भाई, वो हमसे बदतमीजी से बात कर रहा है, गाड़ी क्लोज कर रहा है, हम क्या करें?